सभी दोस्तों को अनुसर का प्यार भरा नमस्कार। और जैसा कि रिएजेंट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस पे भी मध्य प्रदेश में क्वेश्चन आ सकता है, मध्य प्रदेश पीजीटी में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है और झारखंड में तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसीलिए इस क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दिया गया है कि आपको ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊं जिससे कि आपको ये क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए, और अगर एग्जाम में आता है तो फिर आप चूक कहीं से भी न कर पाए। तो देख लीजिए क्वेश्चन की वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस जो आपको ये बताएगी कि आखिरकार ये क्वेश्चन भी आपको करना चाहिए, यानी कि मैच द कॉलम में लेकर के आया हूं, और ये मैच द कॉलम में एक से एक अपडेटेड आपको मैटर दे रहा हूं। यहां सबसे पहला आपको रिएजेंट दिया है और वो किस काम आता है ये आपको बताना पड़ेगा। तो मुझे थोड़ा सा व्यू इसका डाउन करना पड़ेगा क्योंकि आपको सभी फुल दिखना चाहिए तभी आप जवाब दे पाएंगे, अन्यथा आप जवाब नहीं दे पाएंगे, आप कहेंगे सर ने हमें पूरे ऑप्शन ही नहीं दिखाए। तो ऑप्शन आप फुल देख लीजिए, ये पीडीएफ आपको नीचे लिंक में मिल जाएगी और लिंक में मिलने के बाद इसका प्रिंट आउट भी आप ले सकते हो, सभी के लिए अलाउ है, नो प्रॉब्लम, है ना। आप लोगों की डिमांड थी कि इसको कुछ पीडीएफ भी डाल दीजिए, तो साहब लीजिए आपकी पीडीएफ तैयार है। अब ये है हमारा कंपाउंड, है ना। अब आपने इसे देखा कि ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोहडियम क्लोराइड जो है वो किस काम आता है, पता है आपको ये किस काम आता है। अगर आपको जानकारी है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका काम होता है हाइड्रोजिनेशन करना। तो यानी मैं आंसर इधर लिखता चला जा रहा हूं, पहले वाले का जो ऑप्शन होना चाहिए वो फिर हाइड्रोजिनेशन होना चाहिए, वही कलर दूंगा जिस कलर से इधर करूंगा, तो फिर इसका मतलब इसका ऑप्शन मुझे डी दिखाई देना चाहिए, यहां मैं डी लिख देता हूं। आर यू एग्री, इज इट क्लियर? बिल्कुल, वेरी गुड, नाइस। सेकंड पे चले आइए, सेकंड ऑप्शन 18 क्राउन 6 ईथर्स होते हैं। ये ईथर किस काम आएंगे ये आपको अगर पता है तो मैं बताऊं, कैटाइन के कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं ये ईथर। तो यहां पर मैं कलर दे रहा हूं, यहां कैटाइन कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट की तरह काम करेगा, यानी सेकंड का ऑप्शन जी लगा देना पड़ेगा। थर्ड पे चले आइए, थर्ड का जवाब क्या होगा, ये आपका टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, टर्ट ब्यूटाइल अमोनियम ब्रोमाइड है, सॉल्ट है ये, और इसका काम क्या है। अगर पहले मैं आपको काम बता दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, इसका काम होता है फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट की तरह ये बिहेव करता है। अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि सर ये फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट होता क्या है, तो मैं आपको जानकारी देता हूं, ये वो कंपाउंड होते हैं जो टू फेज एडिशन वाटर सिस्टम में हेल्प करते हैं और ट्रांसफर करते हैं वाटर सॉल्युबल, है ना, आयनिक रिएक्टेंट को एक सरफेस ऑर्गेनिक फेज की इंटरफेस के ऊपर जहां पर होमोजीनियस रिएक्शंस होती हैं वहां पर ये काम आते हैं, इसे बोलते हैं फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट। तो ये फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट कौन सा है ये भी जान लिया आपने, ये है, तो इसका ऑप्शन फिर ये होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यहाँ थर्ड का जवाब मैं एच लिख देता हूं। फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, सेवेंथ हो गया, एट्थ हो गया, सबके जवाब भी लिखता हूं। चौथा वाला ऑप्शन, चौथे का ऑप्शन क्या दिखाना चाहूं मैं आपसे कहूंगा कि ये डैश डाई आइसो एमाइल बोरेन है या डिसएमाइल बोरेन भी इसे बोलते हैं, ठीक है, डाई आइसो एमाइल बोरेन बोलिए कोई बात नहीं है, डिसी एमाइल बोरेन भी बोला जाता है, दोनों चीजें ठीक हैं। अब ये किस काम आता है, तो भाई मुझे ये पता है कि बोरेन है तो हाइड्रोबोरेशन तो करता ही होगा, तो इसका मतलब है इसका ऑप्शन खट से मुझे ए लगा देना चाहिए, तो यहाँ ए लगा दिया। फिफ्थ वाले पे चले आते हैं, फिफ्थ वाला क्या कह रहा है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, यहां पर थोड़ा मुझे कलर बदलना पड़ेगा मुझे लगता है, जिससे कि आपको ये फिफ्थ वाला हो गया डी डी क्यू। अब ये कंपाउंड आपके सामने जो डी डी क्यू है ये क्या है, तो पहले तो मैं आपको जानकारी ये दे देता हूं कि जो डी डी क्यू कंपाउंड है इसका काम क्या है। डी डी क्यू कंपाउंड भी हाइड्रोजिनेशन का ही काम करता है। तो अब समस्या आ गई कि ये जो डी डी क्यू है ये भी हाइड्रोजिनेशन करेगा और दूसरा आपका जो रोडियम का कंपाउंड है वो भी हाइड्रोजिनेशन करेगा, तो इसका मतलब दोनों के ऑप्शन में वेरिएशन आ सकता है, यानी कि दोनों के ऑप्शन बदल सकते हैं, तो ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी, नहीं तो चूक आपसे हो सकती है।
अगर ये चूक हुई तो फिर गलती होना भी तय हो जाएगी। यानी रोडियम का जो कंपाउंड है वो भी वही काम कर रहा है जो DDQ कर रहा है। अब मन में अगर ये क्वेश्चन तैयार होता है कि आखिरकार DDQ है क्या, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि DDQ एक ऐसा हाइड्रोजनेशन यानी कि हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने वाला कंपाउंड है जो हमारे लिए एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि भैया ये बता दो कि DDQ की फुल फॉर्म क्या है, तो DDQ की फुल फॉर्म भी आपको पता रहनी चाहिए, अन्यथा के लिए फिर दिक्कत हो जाएगी कि भैया DDQ की फुल फॉर्म ही नहीं पता है। तो जब फुल फॉर्म ही नहीं पता है DDQ की, तब हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसका मतलब है, मैं आपको बता देता हूं, DDQ का फिर पूरा नाम याद रख लीजिएगा, 2,3 डाइक्लोरो 5,6 डाइसाइनो 1,4 बेंजो क्विनोन होता है। फिर से बोलता हूं, डाइक्लोरो डाइसाइनो बेंजो क्विनोन, अब तो याद हो जाएगा, डाइक्लोरो डाइसाइनो बेंजो क्विनोन, या फिर 2,3 डाइक्लोरो 5,6 डाइसाइनो 1,4 बेंजो क्विनोन, ये इसका नाम है। और इसका काम मैंने आपको बता दिया है कि हाइड्रोजनेशन इसका काम होता है। तो 5 का फिर F लगा लेना ही बेहतर है, लगा देता हूं 5 का F, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां 5 का मैं F लगा देता हूं। 6 वाले पे आ जाइए, अब आ गया आपके सामने DCC, फिर एक नई समस्या, आंसर तो बाद में बताएंगे, पहले आपको हम ये बता दें कि आखिरकार ये DCC है क्या भला। तो देखो, DCC एक ऐसा कंपाउंड है जो क्या कराएगा, पहले तो इसका कलर मैच करा दूं इस वाले का, नहीं तो ये दिक्कत कर जाएगा। ये मैंने F लगाया है, ये F लगा देता हूं। अब आ जाता हूं मैं DCC पे। देखिए, DCC भी एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो बहुत बड़ा चेंज कर देता है, और चेंज किस में करता है, ये भी वो हाइड्रोजन डाल रहा है, ये पानी निकाल देता है, वाटर को एलिमिनेट कर देता है, मतलब कहने का तात्पर्य ये डिहाइड्रेशन कर देता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर ये वाटर का डिहाइड्रेशन कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये ऐसा सब्सटेंस होगा जो वाटर को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखता होगा, वाटर को उड़ाने की टेंडेंसी रखता होगा, वाटर को अपने अंदर भी हेल्ड करने की पावर रखता होगा। ये सब गुण इसके DCC के रहते हैं, इसीलिए इस कंपाउंड को डिहाइड्रेशन की तरह यूज किया जाता है। तो ये ध्यान देने वाली बात होगी कि DCC का यूज आप जो है कहाँ करेंगे, जहां पर आपको वाटर का रिमूवल करना हो यानी डिहाइड्रेशन करना हो। तो ऑप्शन आपको साफ दिखाई दे रहा है, यहां मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसको अंडरलाइन कर लेता हूं ग्रीन कलर से, ये अंडरलाइन और ये अंडरलाइन, तो इसका मतलब हो गया इसका ऑप्शन हो गया ई, इसका ऑप्शन हो गया ई। सेवेंथ बचा, अब आपको सेवेंथ वाला तो दिख ही रहा होगा आपका, CH3CO3H। ये कंपाउंड है क्या, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये ऑक्सीडेशन कराने के लिए परऑक्साइड कैटेगरी में आता है, ये ऑक्सीडेशन कराने के लिए सफिशियंट है, तो इसका मतलब इपॉक्सीडेशन कराएगा ये। तो यहां पर मैं सेवेंथ वाले का लिख देता हूं इपॉक्सीडेशन, बी ऑप्शन। एट्थ वाला बच्चा LDA, अब ये LDA का नाम तो बड़ा फेमस है, सुना भी होगा आपने कि इसका नाम है, मतलब एल्काइलेटिंग एजेंट कहलाता है, ठीक है। ऊपर अगर नाम जानना चाहो DCC का तो इसका भी जान लो, डाइसाइक्लोहेक्साइल कार्बोडिमाइड कहलाता है, ठीक है, कार्बोडिमाइड कहलाता है, फिर से सुन लो, डाइसाइक्लोहेक्साइल कार्बोडिमाइड कहला, इमाइड है ना, इसलिए डिमाइड कहलाता है। अब आ गया हमारा ये, तो इसका नाम आपने इपॉक्सीडेशन की सेवंथ का भी हो ही गया। एर्थ वाले का आ जाओ, LDA पे चले आओ, अगर LDA पे आ जाते हो तो LDA का तो अब एक ही ऑप्शन ही बचा है, क्या बचा बता सकते हो, जल्दी से बता दो, हैं, एल्काइलेशन करा दूं, अभी मैंने बोला भी था, तो इसको रेड कर देता हूं, इसको भी रेड कर देता हूं, और यहां पर सी ऑप्शन भी डाल देता हूं। तो ये मुझे कुछ जानकारी थी छोटी मोटी, मैंने आपको बता दी। और अगर आप ऐसे ही रिएजेंट का यूज करना चाहते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस को पढ़ना चाहते हैं, तो ये PDF डाउनलोड कर लीजिएगा,
ये पीडीएफ आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। देखिए, मेरा काम है आप तक बेटर क्वेश्चंस पहुंचाना, बेटर क्वेश्चंस पहुंचाना और बेटर उनका एक्सप्लेनेशन करना जितना मुझसे हो सकता है। ठीक है, एलडीओ तो बड़ा फेमस कंपाउंड भी रहा है अपने तरीके से, है ना, लिथियम का कंपाउंड है, आइसोप्रोपाइलामाइड कहलाता है ये। तो इसको, ऐसे क्वेश्चंस को आप जरूर कर लीजिएगा जिससे कि आपको फ्यूचर में इनकी कोई दिक्कत ना हो। अब हम एक काम कर लेते हैं कि कौन सा रिएजेंट कहाँ चाहिए होगा उसकी भी जानकारी आपको मैं दिए दे रहा हूं। तो अब मैं कंप्लीट द रिएक्शन चलता हूं और बहुत ही मस्त मस्त जवाब आपको दूंगा कौन सा रिएजेंट कहाँ चाहिए, जरा देखते हैं। नंबर एक है ना, रिएजेंट कौन सा यूज होगा सिर्फ ये बताइएगा। तो ये आ सकता है क्वेश्चन, एमपी पीजीटी और झारखंड वाले बिल्कुल दिल थाम के बैठे हैं आज, है ना। इसमें रिएजेंट इंडिकेट करना है, सिंपल सा मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में ले लिया है, बहुत सारे क्वेश्चन में से ये छांट लिया है, इन पे क्वेश्चन आ सकता है जिससे मैं बता दूं आपको, पढ़ा दूं। नंबर वन, सबसे पहली रिएक्शन क्या है वो जरा देखिएगा, CH3 का, CH3 का होल ट्वाइस, क्या CH3 मत लो, मुझे लगता है कि मैं ओपन करके लिखूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। यहां लिख देता हूं CH3 और यहां CH2, मैं उल्टा बनाने के मूड में था लेकिन ना, अब मुझे लगता है ऐसे लिख देता हूं। ये C हो गया, ये H हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, ऊपर भी फिर इसी को रिपीट करता हूं CH2 का, ये एल्काइल समूह कोई भी लगा दिया है ना, और यहां पर मैंने H लगा दिया। अब मैं जानना चाहता हूं इस पे रिएजेंट कौन सा चाहिए होगा अगर ये कंपाउंड इस कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाए। बोले सर जरा कन्वर्ट करके दिखाओ। तो ऐसे ही क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आपकी तैयारी उस लेवल की हो जाएगी जहां से आपका सिलेक्शन होना निश्चित होता है। तो जितने भी मेरे साथी हैं झारखंड के, वो चाहे कुछ भी करें लेकिन क्वेश्चन की क्वालिटी उन्हें वो दूंगा जो झारखंड में पैदा नहीं होती है। बिल्कुल 101% मैं ये साबित कर दूंगा कि जितना अच्छा पेपर झारखंड का आता है उसकी तारीफ, काबिले तारीफ पेपर आता है, लेकिन उसके एवज में जो झारखंड में लोग प्रिपरेशन करा रहे हैं उनके क्वेश्चन को मैं जान रहा हूं, देखा है मैंने। ठीक है, तो इसलिए अगर आप ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो मुझे लगता है कि झारखंड में आपको बेनिफिट मिलने वाला है। यहां पर OH लगा देता हूं। अब मैं, मान लीजिए पूछ लिया कि रिएजेंट बता दो यहां पर कौन सा है, तो अब आप बैठोगे वहां के, बोले सर रिएजेंट तो मुझे नहीं पता। तो आपको मुझे पता होना चाहिए कि ऐसी कंडीशन में जहां पर वाटर ऐड हो रहा हो, सिंपल सी बात, हाइड्रोजन तो लगा ही, OH तो ही लगना है दोनों, तो ऐसे में हम लोग ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर जो आंसर आना चाहिए वो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का जवाब आना चाहिए। पहला बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आज रिएजेंट बताऊंगा, इससे पहले रिएजेंट की रिएक्शंस भी मैंने बताई हैं। रिएजेंट की रिएक्शंस कौन कौन सी हैं वो भी मैंने पीछे बताई है। अब दूसरा देखिए, ये क्वेश्चन मैंने कराया था अगर आपको अच्छे से याद है तो, ये पेंटागन है और इस पेंटागन में मैंने जब रिएजेंट पढ़ा रहा था तो लोगों ने इस पर डिस्कशन भी किया था। कुछ हैं जिन्हें खाली ये लगता है कि नहीं यार, है ना, खोदो, जितना खोदोगे टाइम खराब करोगे उतना अच्छा लग रहेगा, तो वो टाइम खराब करने वाले प्राणियों के लिए मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, वो कि देख लो बच्चा यहाँ पर भी रिएजेंट कौन सा यूज होगा। अब तो ऊपर वाला एग्जाम्पल को रिपीट कर रहा हूं, अगर तुमने ये बता दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि वाकई में बहुत ही ताकतवर इंसान हो, बहुत ही हिम्मती हो यार। ठीक है, यहां पर मैं एच लगा लेता हूं, यहां OH कर देता हूं, यहां भी OH कर देता हूं और यहां पर एच। अब बता दो सेम बिल्कुल डिट तो चला मामला, बताओ। तो यहां पर भी आएगा ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, है ना झमाझम। ऐसे क्वेश्चन का जलवा सिर्फ आपको एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पे मिल सकता है। अब तीसरा क्वेश्चन आ जाइए, ये क्वेश्चन लिख लो, इसकी पीडीएफ नीचे से डाउनलोड कर लियो भैया। ठीक है, चलो ये हो गया आपका तीसरा ऑप्शन। देखो बहुत बढ़िया है क्वेश्चन, ये नोट करना चाहिए। ये मैंने लिया साइक्लोहेक्सेनोन, अगर मैं साइक्लोहेक्सेनोन को डाइकीटोन में कन्वर्ट कर दूं तो डाइकीटोन का मतलब है सिंपल सिंपल। अब इस कंडीशन में कन्वर्ट कर दूं तो इस कंडीशन में कन्वर्ट करने पर क्या होगा वो मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, जरा ध्यान दीजिएगा। ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में अब आपको दिख रहा है कि दो कीटोनिक ग्रुप आ गए, यानी कि
आपने पढ़ा होगा एक रिएजेंट जिसका नाम है सेलेनियम डाइऑक्साइड। तो सेलेनियम डाइऑक्साइड ऐसा काम करेगा जो पड़ोस वाले जो या चाहे यहाँ दोनों के ऑक्सीजन पर ऐड करके, मतलब इस ग्रुप का CH2 ग्रुप का ऑक्सीडेशन करा देता है। ध्यान दीजिएगा, ये रिएजेंट भी मैंने पढ़ाया था भावना जी, अगर आपको याद है तो। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर बताइएगा। जब आप क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये एक-एक पर डबल चल रहा हूं। अगर आपको लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं तो करना आपको जरूर चाहिए। देखिए, ये कंपाउंड मैंने ले लिया, यहां पर मैंने रिएजेंट डाला, एसिटिक एनहाइड्राइड, ऐसे लिख दूं, समझ जाओगे। अब यहां पर कंपाउंड मुझे लगाना है। देखिए क्या करता हूं, ये कंपाउंड लिया, यहां डबल बॉन्ड से मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा, CH CO, और यहां पर आपका O आ गया, फिर ये OC2H5, लेकिन यहां पर मैंने ग्रुप लगा दिया एसिटाइल। जैसे एसिटाइल, धार से दिमाग में जाना चाहिए, यार ये सेलेनियम का ही काम हो सकता है, दूसरा ये काम नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद बोले सर हमें ऐसा ही और उदाहरण दिखाओ। तो दिखाता हूं जादू, देख लो मेरे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट, यूपी के लिए वरदान होगा, एमपी के लिए ये गुणगान होगा, झारखंड में ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिए। अब ये मत कहना कि सर ये हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि कुछ लोग बिल्कुल सिलेबस का ही डिट्टो छांट रहे हैं, तो कुछ रिएजेंट, अब कैटलिस्ट तो सिलेबस में है ना, तो कैटलिस्ट जरूर पढ़ लेना। ये मत कहना कि सर सिलेबस में नहीं, बहुत सारे लोग हैं बोले हमारे पास सिलेबस में नहीं, लेकिन जब पेपर में आ गया तो बोले सर ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया, चले गए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, बस यही करो, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दौड़ो, पढ़ाई मत करो। ठीक, तो ये हो गया, ये कंडीशन यहां पर आ गई, ये डबल बॉन्ड ओ आ गया। अब यहां पर ये हो गया, ये अब बताओ बोले साहब ये कैसे कन्वर्ट होगा। तो इसके लिए भी आपको साधारण सा रिएजेंट चाहिए, जिस रिएजेंट का नाम है जो ऊपर है वही है, ये भी काम SeO2 ही कर सकता है। लेकिन आपको कुछ खास दिखा इसमें, कुछ परिवर्तन दिखा इसमें, वो परिवर्तन बताओ आप। मैंने तो दोनों एक ही से दिखाई दे रहे हैं, हमें तो दोनों एक ही दिखाई दे रहे हैं, अब आप बताओ इसमें परिवर्तन क्या हुआ। परिवर्तन तो कोई हुआ ही नहीं, मुझे तो परिवर्तन भी नहीं दिख रहा है। तो अब आप दिमाग लगा करके बताओ कि सर इसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ, ये दोनों सेम हैं, आपने दोनों सेम लिखे हैं, इसका मतलब है कि यहां पर अब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हमने करना क्या था। ठीक है ना, तो आपको जानकारी के लिए ये बताऊंगा कि जो कंपाउंड है वो यहां पर भी बॉन्ड बढ़ाना पड़ेगा, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, इस पे इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड को अगर मैं देखता हूं तो एक कंपाउंड और भी है, सिक्स्थ वाला है, इस पे आइए। अगर मान लीजिए मैं थोड़ा ऐसे बनाने की कोशिश करता हूं, ये मिथाइल ग्रुप देता हूं, ये मैं हाइड्रोजन देता हूं, ये मैं यहां पर मिथाइल ग्रुप देता हूं, ये यहां पर हाइड्रोजन देता हूं। अब इस पे मैं वाटर डालने के बाद जो है सिंपल इसमें वही हरकत करूंगा जो हरकत आपने अभी की, यहाँ पर OH लगा देता हूँ, यहाँ पर OH लगा देता हूँ, यहाँ मिथाइल लगा देता हूँ, यहाँ पर भी मिथाइल लगा देता हूँ, यहाँ डायरेक्ट ऐसे ही H लगा देता हूँ। अब आपको साफ दिख रहा होगा कि भैया ये काम जो है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का है, यानी कि यहाँ रिएजेंट OSO4 लिखा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप जरूर पढ़ा करें, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि ऐसे क्वेश्चन आपका ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि लेवल 1-2% गिरा सकते हैं। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप जरूर कर लीजिए, और ऐसे क्वेश्चन को एक बार रीड कर लीजिए, बहुत ज्यादा इनको परेशान होने की आपको जरूरत इन पर नहीं है, परेशान आप बिल्कुल नहीं होंगे, बशर्ते बस ऐसे रिएजेंट को आप ध्यान में रखेंगे जिससे कि आप ऐसे क्वेश्चन अगर कहीं पर आते हैं तो उनको आप आसानी से कर सकें। और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है तो ऐसी कंडीशन पैदा ना होने पाए, इसलिए आप जरूर ऐसे क्वेश्चंस करिए। और एक क्वेश्चन आपको दे करके जाता हूं, है ना, वो आप करिएगा कि क्वेश्चन मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं कि व्हाट इज
वुडवर्ड और रिएक्शन? इसका जवाब अगर आपको पता है तो बताइएगा जरूर। व्हाट इज वुडवर्ड? वुड है ना, वर्ड स्पेलिंग पता है, WARD, वुडवर्ड एक साथ लिख सकते हो है ना। रिएक्शन, ये रिएक्शन क्या होती है अगर आपको जानकारी है तो इनबॉक्स में जाकर के केवल एक लाइन से आप मुझे समझा दीजिए कि वुडवर्ड प्रोसीजर क्या होता है, वुडवर्ड क्या करता क्या है, वुडवर्ड रिएक्शन के थ्रू होता क्या है, इतना बता दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा आप तैयारी के सही दिशा में चल रहे हैं। तो ये हमारी थी आज की PDF। अगर कॉन्टैक्ट नंबर नोट करना चाहते जरूर करिए, 94-73-70-27-11, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आपको लगता है कि अनुसर से बात करनी है, आपको लगता है कि हमें अनुसर से कुछ मिलना चाहिए, तो जरूर हमसे आप जो है फोन पर मिल सकते हैं, फोन पर बातें कर सकते हैं। एक क्वेश्चन जरूर मन में आता है, एक क्वेश्चन जरूर मन में आता है कि आखिरकार ये क्राउन ईथर्स क्या होते हैं, व्हाट आर द क्राउन ईथर्स, इस पर कुछ लोगों ने क्वेश्चन भी पुटअप किए हैं, ठीक है। तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि क्राउन ईथर्स आखिर क्या क्या होते हैं, और 18 क्राउन 6 आखिरकार क्या है, यानी कि 18 क्राउन 6 का मतलब कुछ ना कुछ तो होता ही होगा है ना। तो इसका मतलब ये जरूर होगा कि वहां पर 6 ऑक्सीजन एटम जुड़ जाए, 5 है तो 5 ऑक्सीजन जुड़ जाए, मैंने जितने ऑक्सीजन वही उसकी कैटेगरी में चलता चला जाएगा। तो ये सब बातें भी मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में कि आखिरकार क्राउन ईथर्स होते क्या है। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, इंटरेस्ट लीजिए और साथ में चले जाइए इस PDF को डाउनलोड करने के लिए हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां आपको इसका लिंक मिलेगा और PDF झट से डाउनलोड कर। थैंक यू, बाय बाय।